एग्जॉस्ट इसका निकाल दिया है जो स्टॉक वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी हम कर रहे हैं अपने दोस्त की बाइक में मॉडिफिकेशन। वो खड़ी है अपनी धन्नो, इतनी क्लासी लग रही है और इसकी बाइक पूरी स्टॉक है। यार लड़ो मत भाई, यार अभी लड़ो मत, वीडियो बनाने में तो ये बाइक ना पूरी स्टॉक है, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ मॉडिफाइड है, वो है इसका डबल बबल वाइजर। बाकी हम इसमें पूरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। अभी हम एक शॉप कर रहे हैं, ये भी मेरे फ्रेंड की शॉप है, तो अब यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खोल रहे हैं, इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट दिखाइए कौन सा है। पहला एग्जॉस्ट है जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं आकरा का। देखो इसमें डीपी किलर लग जाता है और ये हट भी जाता है। सबसे पहले हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें। ठीक है, हाथ देख सकते हो कितने ज़्यादा साफ हो रहे हैं हमारे। और ये हमें लव बाइट दी है बाइक ने हमारी। देख सकते हो कि इसमें हमने वो खोल दिया है पूरा, एग्जॉस्ट इसका निकाल दिया है जो स्टॉक वाला है। अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे BS6 वाला। अभी इसका ये जो सेंसर है ये हटाना पड़ेगा, और हमने पूरी कोशिश कर ली फिर भी ये निकल नहीं रहा है। अभी इसमें हमने ऑयलिंग करके छोड़ रखा है, कुछ लोग कैसे चेकआउट कर सकते हो ऐसे आ रहे हैं। हमने नीचे वाली वो फेयरिंग में निकाल दी है और एक आगे वाली, तो अभी को जैसी लग रही है अपनी बाइक वहाँ पर खड़ी है। देखो दो दो फेनोज तो लग गया यहाँ पर। अब ये इसकी सीट वगैरह, ये सारी फेयरिंग्स, और इसमें इंस्टॉल करेंगे हम टेल टाइट। एग्जॉस्ट ऑलरेडी कर दिया है, अभी हमें निकाल लें ये वाला बोर्ड। अभी हमने इसकी टेल टाइट पूरी रिमूव कर दी है, अब हम इसमें नई टेल टाइट लगा रहे हैं, जो कि कौन सी है? टेल टाइट कहाँ है? टेल टाइट है। और यार ना ये ना बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रखी है, देख सकते हो कितना ज़्यादा वास्ट हो रही है, और जो इसके पार्ट्स हैं वो भी लग नहीं पा रहे, तो पॉसिबल है कि हम ये ना लगवा पाएँ। अब कोशिश कर रहे हैं, अगर ये लग जाए तो वेल एंड गुड, बाकी ऐसा लुक आ रहा है विदाउट टेल टाइट। मुझे तो स्टड लग रही है भाई, देखते हैं अब।